एक और बड़ी खबर आ रही है प्रिया। बिल्कुल, श्रीकांत त्यागी के गुर्गों से पूछताछ की जा रही है। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में कल त्यागी के गुर्गे घुसे थे। पुलिस ने ओमेक्स सोसाइटी के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा लापरवाही बरतने पर एक SHO को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। श्रीकांत त्यागी की जगह जगह तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के 7 अलग अलग जिलों में छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अब इस वक्त जो लोकेशन है श्रीकांत त्यागी की, वो हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच की मिली है। करीब 10 बार कहा यह जा रहा है कि त्यागी का फोन ऑन ऑफ हुआ है। मेरी सहयोगी गोनिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गोनिका, कहा यह जा रहा है कि ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच लोकेशन है और अब उत्तराखंड की पुलिस से भी कोऑर्डिनेट किया गया है, तो अब दोनों राज्यों की पुलिस इस वक्त छापा मार रही है। देखिए, बिल्कुल, दोनों राज्यों की पुलिस अलग अलग जगह पर श्रीकांत त्यागी को ढूंढ रही है, फिर चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, इसके अलावा उत्तराखंड, हर जगह पर श्रीकांत त्यागी को ढूंढा जा रहा है। और जो आखिरी लोकेशन मिली है वो उत्तराखंड की मिली है, क्योंकि जब आप नोएडा में रहते हैं तो नोएडा से यहाँ से उत्तराखंड भागना आसान रहता है। आप जब हाईवे से निकलते हैं तो आप मुरादाबाद, मेरठ के सब होते हुए आप हरिद्वार, उत्तराखंड की तरफ चले जाते हैं, तो ये रास्ता आसान रहा श्रीकांत त्यागी के लिए भागने का। और इसीलिए श्रीकांत त्यागी की जो लोकेशन है वो ऋषिकेश हरिद्वार के बीच में मिली है। हालांकि ये लोकेशन कब की है ये अभी पुलिस की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो यही मिली है कि आखिरी लोकेशन हरिद्वार और उत्तराखंड के बीच, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच की है। और कई बार फोन ऑन ऑफ भी श्रीकांत त्यागी का हुआ है। और देखिए, एक दिलचस्प बात भी बताएं कि श्रीकांत त्यागी पर जो मेंटेनेंस और बिजली का 1 लाख का बिल बकाया था, उसी दिन जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस दिन श्रीकांत त्यागी ने उस महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, उस दिन भी मेंटेनेंस, यहाँ पर जो सोसाइटी का RW है, उन्होंने श्रीकांत त्यागी के घर की इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया था, जिसके बाद श्रीकांत त्यागी के द्वारा पेमेंट भी किया गया। यानी कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद भी श्रीकांत त्यागी ने पेटीएम और कैश के जरिए यहाँ पर 1 लाख रुपए का जो बिल ड्यू था उसको भी पे किया है। यानी कि तब तक श्रीकांत त्यागी यहाँ पर कहीं ना कहीं RWA के संपर्क में भी था, लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया, लगातार श्रीकांत त्यागी को ढूंढने की कोशिश पुलिस कर रही, तब से श्रीकांत त्यागी फरार है। और जो पेमेंट किया गया था वो भी श्रीकांत त्यागी के द्वारा ही किया गया था। जो बता रही है कि अब तक श्रीकांत त्यागी दिल्ली NCR में था, RWA के संपर्क में था, उसने बिजली के बिल का पेमेंट किया और उसके बाद फरार हो गया। बहरहाल, गोनिका, बने रहिए। इसी बीच एक और जानकारी दर्शकों को दे दें, कल जब श्रीकांत त्यागी के गुर्गे पकड़े गए थे तब से इसके समर्थकों ने कैसा हंगामा किया उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब तो गैंगस्टर एक्ट लगा दो यार, अब गैंगस्टर एक्ट लगा सकते हो सर? इनकी इनकी आईडी भी निकल ये तो ठीक है, 15-20 आए थे अंदर, आधे गायब हो लिए। अरे भाई साहब, क्या हो गया? ईशु भाई साहब, आप कर देने, आप क्यों आए, क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप क्यों आए यहाँ पे? आप तो कौन डिस्टर्ब? आप लोग और क्या जंबो है? चलिए ना, चलिए, आप मिलने आए, चलिए खुलवाइए, चलिए चलिए घर पर खुलवाइए, आइए सारे, आइए, कोई बात नहीं भाई, शक्ल दिखाते जाओ जरा, खूबसूरत चेहरे। हाँ, अभी कर दिए, ट्वीट करना मतलब ये जान को पता है। अब तो गैंगस्टर एक्ट लगा दो यार, अब गैंगस्टर एक्ट लगा सकते हो सर? इनकी इनकी आईडी भी निकल, ये तो ठीक है, 15-20 आए थे अंदर, आधे गायब हो लिए। कौन है ये? आए कहाँ से? इनको बिठाओ यहाँ पे पहले। ये आए कैसे? कानून है, 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 कानून
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।